चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दूसरी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कल हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। क्या होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कैसे लगाते हैं, ये सब हमने देखा था। सबसे पहली बात, थोड़ी सा रिवाइज करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, कि ये 2D बॉडी के लिए लगाई जाती है। तो जो दो एक्सिस उस प्लेन में होती है जिस प्लेन में बॉडी है, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उनके परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होता है। तीनों एक सेम पॉइंट से पास होनी चाहिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। ये बातें जरूरी हैं, और यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या, देखो तो सबसे पहली बात कि कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी, 1D, 2D, 3D। तो ये वाली थ्योरम कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, 1D हो, 2D हो, 3D हो, सभी के लिए लगाई जा सकती है। जैसे कि रिंग, डिस्क, रॉड, प्लेट, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी हो, ठीक है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ही दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट ऐसा, इस ऑब्जेक्ट का मान लो मास m है, एंड मास m है, चलिए, और ये देखो सेंटर ऑफ मास रखा है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास रखा है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक, ये वाला। अब हमें इस ऑब्जेक्ट का, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये जो एक्सिस दे रखी है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, जिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करें, हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक। पहला तरीका होता है कि एलिमेंट, तो लेकिन कई बार एलिमेंट लेना पॉसिबल नहीं होता है या बहुत टफ वो हो जाता है, तो उस केस में हम थ्योरम्स का यूज करते हैं। तो यहाँ हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो इस थ्योरम को यूज करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना जरूरी है, जैसे कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और जो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। मतलब हमें इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ये एक्सिस कौन सी है, इस एक्सिस की क्या खासियत है, इस एक्सिस की खासियत ये है, जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, इस एक्सिस की क्या खासियत है, ये एक्सिस जो है वो, ये जो गिवन एक्सिस है, मतलब जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उसके तो पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक। तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, ये आपको पता है, आपको याद है ऑलरेडी, आपने निकाल रखा है पहले, तो इसके अबाउट कितना है ICOM। तो बेसिकली ICOM क्या है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि ICOM क्या है, MOI ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द अबर रिक्वायर्ड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये मस्ट है, ये सेंटर ऑफ मास से ही पास होना जरूरी है, तभी तो इसको ICOM बोला है हमने। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और ये D क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम। बिटवीन देम मतलब ये जो दो एक्सिस आपके सामने हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने D बोली है, ठीक। ये दोनों एक्सिस कैसी होनी चाहिए, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है इन द सेम, और सेम प्लेन में है, ठीक है भाई, पैरेलल तो सेम प्लेन में आ ही जाएंगी, ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ये क्या है, बोथ एक्सिस आर पैरेलल, इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो दोनों एक्सिस पैरेलल हैं और सेम प्लेन में हैं। आई क्या है, ये वो एक्सिस है, रिक्वायर्ड एक्सिस, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, राइट। और ICOM क्या है, ये जो जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, ठीक है। क्या यहां तक बात क्लियर है?
तो ये थ्योरम क्या कहती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम ही है इसका, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल हमने बात की है। तो जो रिक्वायर्ड एक्सिस है, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के बाद, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ICOM। ICOM का मतलब मैंने बताई थी आपको, प्लस MD2। डी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, एम का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थ्योरम है, हमेशा लगेगी ये 1D 2D कुछ भी हो, ठीक। और ये जो हम लिख रहे हैं ICOM, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास होनी चाहिए, किसी और से पास नहीं हो सकती। और उसमें जब MD2 हम ऐड करेंगे तो ये उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शी आ जाएगा जिस एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए, ठीक। तो ये थ्योरम में कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, क्या कि ये इसी फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं, मतलब हम इस थ्योरम को इस तरीके से नहीं लिख सकते। किस तरीके से नहीं लिख सकते? जैसे आप सोचो कि सर देखो यहाँ पे मान लो ऐसा होता, मान अभी तो यहाँ पे क्या मान लिया है कि भैया आई किसके अबाउट हमें निकालना है, हमें निकालना है इसके अबाउट, ठीक है। और ICOM हमें गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ICOM में MD2 को जोड़ा तो ये आई हमें मिल गया, ठीक। लेकिन अगर उल्टा होता, उल्टा होता मतलब बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता कि आपको ये पता होता, ये जो आई है ना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता, मान लो पता है और आपको ICOM निकालना है, तो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से यूज नहीं कर सकते थे। कैसे? आप बोल देते कि चलो देखो इस बार ICOM निकालना है ना, तो हम लिख देते हैं ICOM बराबर आई प्लस MD2, कि भाई इसके आउट तो हमें पता है और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस हमें डी पता है, तो आई प्लस MD2 कर देते हैं, ICOM आ जाएगा। ये गलत है, आप इस तरीके से इसको यूज नहीं कर सकते, समझ गए? हाँ, आप इसी तरह से यूज करो इसको। अब इसमें अगर आपको आई पता है तो आई की वैल्यू डाल दो, ICOM नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, MD2 पता है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये ICOM आ जाएगा, राइट। तो इसी फॉर्मेट में हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो रखोगे वो सेंटर ऑफ मास का ही होना चाहिए और उस एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट को निकालना। आप क्वेश्चन करके सीखेंगे इसे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए। इसमें क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। ये एक डिस्क है जिसका मास एम है और रेडियस आर है, मास एम रेडियस आर की ये डिस्क है। आपको ये जो एक्सिस मैंने डॉटेड लाइन दे रखी है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये जो एक्सिस है उसके बारे में मैंने बता रखा है, एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ डिस्क एंड टेंजेंशियल, राइट। चलिए बताइए। तो आप सोचोगे कि यार ये इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अब यहाँ से या तो एलिमेंट वेलिमेंट लो, अब ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, एलिमेंट लेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। दिक्कत तो है थोड़ी सी, अच्छे से एलिमेंट भी नहीं आएंगे, फिर उनका निकालो, बड़ा तगड़ा है। क्यों ना इसमें थ्योरम यूज की जाए। ओके, थ्योरम यूज करते हैं। तो कौन सी थ्योरम यूज करें? सबसे पहले ये सवाल मन में आएगा कि दो थ्योरम हमारे पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब परपेंडिकुलर में तो हमें कुछ मतलब यहाँ से अगर हम ऐसी लाइन खींचे, एक ऐसी लाइन खींचे तो चलो इसके अबाउट तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन फिर इसके परपेंडिकुलर पता होना चाहिए इस एक्सिस से गुजरता हुआ, जो हमें नहीं पता। तो दो चीजें नहीं पता तो कैसे लगाएं, नहीं लगा सकते। तो इसमें हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें? इसमें हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता होना चाहिए, लेकिन वो उसी के पैरेलल होना चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड एक्सिस है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ICOM है वो क्या है, एम ओ आई ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू अवर रिक्वायर्ड एक्सिस, राइट। मतलब यहाँ पे जो मैं ICOM जिस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा वो एक्सिस शुड बी दिस दिस, राइट, पैरेलल टू द रिक्वायर्ड एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि ये है, उसके पैरेलल ये होनी चाहिए। तो ये हो गया ICOM। तो अब मुझे पहले, तो हम यहाँ पे आ रहा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस तो मैं पता है डी, डी कितनी हो गई यहाँ पे आर। तो ऑब्वियसली मैं अभी इक्वेशन लगा दूंगा, आई बराबर ICOM प्लस MD2। लेकिन ICOM मुझे पता है क्या? क्या सच में पता है मुझे ICOM? ICOM जल्दी से कमेंट करके बताओ ये ICOM कितना होगा,
ये डिस्क है, सेंटर ऑफ मास से लाइन जा रही है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास के प्लेन में है, मतलब ये डिस्क के प्लेन में है, परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कल आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके निकलवाया था। देखो ये रहा, ये डिस्क है ना, सेम यही चीज है। डिस्क के सेंटर ऑफ मास से लाइन जाने वाली लाइन आई कितना आया है, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पे आई सी एम कितना हो गया, ये हो गया एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो आंसर आ गया। हाँ इस तरीके से, रही बात इसके डेरिवेशन की, तो वो कोई काम का है नहीं, बाकी कर सकते हैं आप डेरिवेशन, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान डेरिवेशन है इसका, लेकिन हमें पहले ये लगाना सीखना है कि थ्योरम लगाते कैसे हैं। डेरिवेशन तो हम 5 मिनट में कर लेंगे कभी भी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। ठीक, चलिए, तो जिस जिसका भी आंसर सही आया वेरी गुड, जिसका आंसर सही नहीं आया कोई बात नहीं, अगले आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलो इसका करो। ये क्या है पहले बता दूं आपको, ये है एक होलोस्फेयर, यह है एक होलोस्फेयर, खोखला गोला, मास एम का और रेडियस आर का। करिए, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इस एक्सिस के अबाउट ये गोला घूम रहा है, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सिस। ओके, ये एक होलोस्फेयर है। करिए, करें ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो हमें इस एक्सिस के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन के अबाउट, एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हमें पता है? हाँ बिल्कुल पता है, हम इसका डिराइव कर चुके हैं। आई सी ओ एम इस एक्सिस के अबाउट आया था 2/3 एम आर स्क्वायर। चलिए, तो आंसर कितना हो जाए, अच्छा बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर, तो आप लिखोगे आई प्लस आई सी ओ एम जो कि है 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई कितना हो जाएगा, सही बच्चे आंसर दें है ना। चलिए, डाउट तो नहीं उसमें किसी को, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये एक रॉड है और ये जो एक्सिस में, अच्छा इस रॉड का मास एम है और लेंथ, टोटल लेंथ एल है। ये जो एक्सिस मैंने दी है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। चलिए करते हैं, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, वो तो ठीक बात है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसी एक्सिस के पैरेलल जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, उस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस लेनी पड़ेगी। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली उस एक्सिस के पैरेलल, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास पता लगाना पड़ेगा, जो कि हमें याद है कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12। और क्या पता लगाना पड़ेगा, डी पता लगाना पड़ेगा। डी क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। तो ये डी कितना हो जाएगा बताइए, डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बाई 2 माइनस एल बाय 5। चलो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3L/10। बोलो डी समझ में आया आपको, एल बाई 2 कैसे हुआ, ये टोटल डिस्टेंस एल बाई 2 है, उसमें से ये वाली डिस्टेंस एल बाई 5 गई, तो कितना बचा, 3L/10। ठीक, तो डी आ गया हमारे पास, आई सी एम आ गया हमारे पास। अब हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, होती है आई बराबर
ICOM प्लस MD स्क्वायर, वैल्यू रख दो, ये हो गया ML स्क्वायर बाय 12 प्लस MD कितना आया था 3L बाय 10 का स्क्वायर, 3L बाय 10 ये D हो गया और इसका स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस ये हो गया 9 एम एल स्क्वायर बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आई आ रहा है 13/75। कोई स्टेप जो आपको समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट? ओके, ये डाउट, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमने निकाल लिया, देखो ये आ गया। चलिए अब ये वाला करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट मिला रहे हैं। अभी तो मैं आपको क्या बता रहा था कि एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, अगर अब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करें, तो कुछ नहीं, अलग अलग ट्रीट करो उनको, ठीक, अलग अलग ऑब्जेक्ट का, जिसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है उस एक्सिस के अबाउट लिखो और फिर अंत में जोड़ दो, है ना। जैसे कि ये सवाल है, यहाँ पे आपको दो रॉड दिखाई दे रही हैं, दोनों का मास m है और लेंथ l है। यहाँ पे देखो दो रॉड आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों का मास m, लेंथ l है, m लेंथ l है। आपको ये जो एक्सिस गिवन है, देखिए दिखाई दे रही है ये एक्सिस, यहाँ पे ऐसे कील ठोक दी गई है इस तरीके से, एक एक्सिस है जो आपकी आंखों में से होके स्क्रीन में गुजरी है, ये वाली एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, पूरा सिस्टम एल शेप का सिस्टम पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, है ना। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट। फाइंड मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सिस्टम। चलिए इस सिस्टम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो पूरा सिस्टम है, दो रॉड है, तो आपको इसमें एक एक रॉड करके निकालना होगा, पहले एक रॉड का फिर एक रॉड का। तो पहले आप मुझे बताओ, पहली रॉड मान लेता हूं मैं ये वाली है, दिस इज द फर्स्ट रॉड एंड दिस इज द सेकंड रॉड। तो सबसे पहले आप मुझे फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस, अबाउट रिक्वायर्ड एक्सिस क्या होगा बताइए। ये जो रॉड गिवन है इसका रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ। देखो मैं नाम दे देता हूं, हाँ वेरी गुड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इस फर्स्ट रॉड का गिवन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो मान लेता हूं आई वन, तो वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, बिकॉज ये एक्सिस कौन सी है, रॉड के परपेंडिकुलर एंड एक एंड से पास होती हुई, राइट right? तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये तो फर्स्ट एक्सिस का हो गया। अब दूसरी एक्सिस के अबाउट, सॉरी दूसरी रॉड का किस एक्सिस के अबाउट लिखना है, इस एक्सिस के अबाउट लिखना है। ध्यान से देखना, रॉड यहाँ पे है बट हमें जो रिक्वायर्ड एक्सिस है उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, तो क्या करें, तो भाई इसमें ऑब्वियस इसमें दिख रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो रॉड नंबर 2 है, जो रॉड नंबर 2 है इसके सेंटर ऑफ मास से
जो रिक्वायर्ड एक्सिस है उसके पैरेलल आईसीओएम निकालना पड़ेगा। ये आईसीओएम कितना आएगा कोई बता सकता है? आईसीओएम आप देख रहे हो ये जो दूसरे नंबर की रॉड है इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास पर उस एक्सिस के पैरेलल, किसके रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस खींची, इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आईसीओएम होगा, और आईसीओएम कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा। वेरी गुड, देखो ना ये एक्सिस क्या है, रॉड के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई, एम एल स्क्वायर बाय 12। तो आप दूसरी वाली रॉड के लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, अच्छा डी की भी जरूरत पड़ेगी, डी क्या है यहाँ पे कौन बताएगा? डी क्या है, व्हाट इज डी? डी क्या होता है? डी होता है दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, ये है डी, दिखाई दिया? डी क्या होता है? जो दोनों एक्सिस पैरेलल एक्सिस हैं उनके बीच की दूरी होता है डी। तो अब यहाँ पे डी कैलकुलेट करोगे डी कितना आएगा बताइए? ये हो गया डी। तो अगर आप डी कैलकुलेट करो तो डी कितना आएगा? हाँ भाई, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये चीज तो कितनी हो गई, ये भाई लेंथ हो गई एल, ये तो है लंब एक तरीके से, और ये हो गया कर्ण, इसकी लेंथ कितनी हो गई? एल बाई टू। तो ये एल, ये एल बाई टू, तो डी क्या है यहाँ पे? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो बताइए डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई कोई बताएगा? डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ निकाल दू साइड में, मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। तो यहाँ पे ये लेंथ है L, ये लेंथ है L बाई टू, इसको नाम दिया है हमने D। तो D बराबर कितना है? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4। हाँ भाई, D की वैल्यू कितनी आ गई? रूट फाइव बाई टू L, रूट फाइव L बाई टू। तो ये D की वैल्यू आ गई। नाउ नाउ वापस आए थे अपन मुद्दे पे, मुद्दा क्या था? मुद्दा है रॉड नंबर टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट क्या लिखें? आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी ओ एम कितना है? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी स्क्वायर कितना है? डी की वैल्यू कितनी है? रूट फाइव एल बाई टू का स्क्वायर कर दो तो कितना आ रहा है? फाइव बाय 4 एल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आई टू कितना आ रहा है? फोर बाई थ्री एम एल स्क्वायर। पर ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है? द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस इज इक्वल टू आई, और आई कितना हो गया? आई वन प्लस आई टू। आई वन प्लस आई टू क्या है? इस रॉड वन का इस रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट और इस रॉड टू का रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप दोनों को जोड़ दो आई वन प्लस आई टू। आई वन कितना है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस ये कितना है? फोर एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो ये आंसर है, किस किस का सही आंसर है? So this is the correct answer, 5 ml square by 3. इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। चलिए एक और करते हैं। ये देखो, ये मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ये चार रॉड हैं, मास m और लेंथ l की चार रॉड हैं यहाँ पे, दिखाई दे रही है? एक तो प्लेट होती है और ये फ्रेम है। ये क्या है? फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम। फ्रेम और प्लेट में क्या अंतर है? प्लेट तो ऐसे भरी हुई होती है, स्क्वायर प्लेट होता है तो मतलब ये भरी हुई है। फ्रेम का मतलब जानते हो? फ्रेम क्या होता है? जिसमें केवल ऐसे चार, अंदर कुछ नहीं, अंदर से खाली है, ये फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है। ये जो फ्रेम है चार रॉड से बनी है जिसका मास एम और लेंथ एल है, यूनिफॉर्म रॉड है सारी, सेम रॉड, यूनिफॉर्म आइडेंटिकल रॉड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेस है उनके अबाउट आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जैसे एक एक्सिस के सेंटर से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर,
इसकी बाउट निकाल दो आई वन, ठीक है। एक एक्सिस है इस कोने से पास होने वाली, स्क्वायर के से कोने से पास होने वाली एक्सिस, ये कोने से पास होने वाली एक्सिस है। अबे तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर सॉरी एक स्क्वायर फ्रेम है और एक सिस्टम है चार रॉड का। इसमें आपको तीन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, आई वन आई टू एंड आई थ्री। आई वन तो क्या है, यहाँ से पास होने वाली एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये फ्रेम इस तरीके से घूम सकता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर आई टू क्या है, इस तरह की एक्सिस है, मतलब फ्रेम इस तरीके से घूम सकता है, और आई थ्री इसके अबाउट फ्रेम इस तरीके से घूम सकता है, ठीक है। करिए, चलिए तो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम आई वन निकालते हैं, तो मैं डायग्राम फिर से बना लेता हूँ, ये रहा। तो इसमें केवल आई वन पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस पूरा आई वन पे है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमें सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो तो इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है ना, तो हमें चार रॉड है, इन चारों रॉडों का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट रॉड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सबसे पहले फर्स्ट रॉड का इस एक्सिस के आउट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस के पैरेलल इस फर्स्ट रॉड के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ये कितना आएगा बताइए, ये कितना आ रहा है, आई सी एम कितना आएगा इस वाली रॉड के लिए, रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम कितना आएगा, बता सकते हो, एम एल स्क्वायर बाय 12। वेरी गुड, एम एल स्क्वायर बाय 12, वेरी गुड। चलिए, और ये डिस्टेंस हो जाएगी डी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी डी, और डी यहाँ पे क्या है, एल बाई टू, देख सकते हैं सिमेट्री से। तो बेसिकली आई वन कितना हो, आई वन नहीं मतलब इसको क्या नाम दू, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट है ना, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा, आई सी ओ एम यानी कि एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी स्क्वायर, और डी क्या है यहाँ पे, एल बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये इस रॉड का, इकलौती रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब बताओ ये जो दूसरी रॉड है इसका इस एक्सिस के अबाउट सेम आ जाएगा, सेम काम करेंगे, डी यहाँ पे वापस से एल बाई टू हो जाएगा और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। सेम ऐसा इस रॉड का भी होगा और सेम ऐसा इस रॉड का भी होगा, मतलब जो एक रॉड का आया है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो आई वन है वो आ जाएगा, आई वन मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का, ये आ गया आई वन, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट। तो हमने यहाँ पे आई वन यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार रॉड है और चारों का सेम आ रहा है, इनटू 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि 4 रॉड है यहाँ पे। तो आई वन कितना आ गया, सॉल्व करो इसको जरा, ये हो गया एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, हाँ जी, तो ये आ गया एम एल 4 एम एल स्क्वायर बाय 3, ये आ गया आई वन, ठीक, किस किस का सही है। चलिए अब आपको निकालना है आई टू, अब निकालिए आई टू, आई टू क्या है, हाँ जी आई टू है ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस है आई टू, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मैं डायग्राम फिर से बना लिया, अब सारा फोकस हम किस पर रखेंगे, आई टू पर। तो कैसे निकालें, कौन सी थ्योरम लगाएं, अच्छा आई वन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ओके तो मैं सिमेट्री से ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं, ऐसे मैं एक एक्सिस ऐसे खींचूं, तो क्या इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई टू के बराबर ही होगा, ये जो एक्सिस है ये आई टू जैसी तो है, सिमेट्रिकल भाई, अगर इस स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है तो इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू ही होगा,
ये बात कह सकते हैं सिमेट्री से, देख एकदम सेम है ना, क्योंकि स्क्वायर है, जितना इसके अबाउट होगा उतना ही इसके अबाउट होगा, सेम सेम राइट। और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो है I1। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू I2 + I2। कौन सी थ्योरम लगा दी मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम राइट। तो यहां से आंसर आ गया, I1 कितना आया हमारा, 4 ml² / 3 इज इक्वल टू 2 I2। तो 2 I2 कितना आ गया, सॉरी I2 कितना आ गया, 2 ml² / 3। एनी डाउट, ऐसे सोच सकते हैं हम, तो आसान हो गया काम, क्योंकि I1 हमने निकाल रखा था ऑलरेडी, तो ऐसे हमने I2 निकाल लिया, अदरवाइज बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हमें सभी रॉड का निकालना पड़ता, फिर तो उससे इसकी एक सॉरी उससे इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ता राइट। भाई अगर हम नॉर्मल तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको निकालना चाहते, तो हमें इस I2 के आउट निकालना है, तो हमें हर रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास के आउट निकालना पड़ता, किसके अबाउट, किसके पैरेलल, ये जो लाइन है इसके पैरेलल निकालना पड़ता पहले। जैसे ये फर्स्ट रॉड की बात करें, फर्स्ट रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके पैरेलल इस तरीके से I2 के पैरेलल, और फिर ये परपेंडिकुलर डालते, फिर ये डिस्टेंस निकालते, तो डिस्टेंस भी बड़ी अजीब आती। तो ये निकालने में आपको थोड़ा अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ता, वो थीटा वाला फॉर्मूला, ML² / 3 sin² थीटा, मतलब थोड़ा अजीब हो जाता काम, लेकिन इस तरीके से हमने यूज किया तो कितना आसानी से हो गया राइट। चलिए अब आप निकालो I3। I3 क्या है, I3 ये रहा इस वाले एक्सिस के अबाउट, चलिए डायग्राम हमने फिर से बना लिया, अब हम केवल फोकस करेंगे I3 पर। तो कैसे निकालें I3 पर, बहुत ही आसान है, हमने ऑलरेडी I1 तो निकाल ही चुके हैं, तो उसे ध्यान से कि अगर ये पूरा स्क्वायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालू तो क्या आएगा, इस पूरे स्क्वायर सिस्टम का एक साथ अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूं, भाई पर्सनल पर्सन रॉड का यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इन चारों का इस जगह पे आएगा, और इसके अबाउट तो हम ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं I1, और ये बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी, ये बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी, तो डी कितना हो जाएगा बताइए, डी कितना हो जाएगा, कौन बताएगा डी कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा L/2, तो डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L/2 का स्क्वायर + L/2 का स्क्वायर राइट। तो यहाँ पे डी आ जाएगा L/√2, ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे I3 = I1 + MD²। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने I1 क्यों लिखा, I1 ही तो ICOM है भाई, मैंने यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा दी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूरे सिस्टम के लिए एक साथ, क्योंकि मुझे I1 पता था ना, इसलिए तो यहाँ मैंने लगा दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, तो यहां से I1 + MD² I1 कितना है, I1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 ml² / 3 प्लस MD² डी कितना था L/√2, यानी कि L² / 2। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बताओ बताओ ये सही लिखा है कि कुछ गलती हुई है, बताओ ध्यान से देखना, ये सही लिखा है कि कुछ गलती हुई है, ये मैंने I1 + MD² लिखा है, ये सही लिखा है, यहाँ पे I1 की वैल्यू डाल दी, D की जगह डाल दिया, सही लिखा है कि कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखो, ये हमने पूरे सिस्टम के लिए लिखा है ना, और पूरे सिस्टम का मास कितना है, 4 m m m m m। भाई देखो आप बोलोगे सर पहले तो ऐसा किया ही नहीं, पहले तो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अकेले रॉड के लिए किया था, अकेले रॉड का जब निकाला तो अकेले रॉड का मास तो m ही था, इसलिए MD² किया, लेकिन जब पूरे सिस्टम के लिए कर रहे हैं
तो बेसिकली यहाँ पे m नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 4m। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ i1 के आगे क्यों नहीं लगाया फिर 4? अरे i1 तो पूरे सिस्टम का ही तो है भैया। i1 क्या था, इस पूरे सिस्टम का, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको निकालते वक्त हमने ऑलरेडी 4 का मल्टीप्लाई कर लिया है ना, समझ में आई बात? तो यहाँ 4 और आएगा, यहाँ पे m की जगह 4m आएगा बस। अब सही है, अब सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है i3? इस तरीके से क्लियर, तीनों एक्सिस के लिए, तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है आपका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ये एक हॉलो स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये एक डिस्क है और ये इनकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये हिंज है, इसके अबाउट ये घूम सकता है पूरा सिस्टम इस तरीके से। इसके अबाउट आपको तीनों का मिला के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड करना है। ये हॉलो स्फीयर है ना, इसलिए इसको खाली कर दिया। अच्छा तीनों का मास एम है और रेडियस आर है, करिए। चलिए, तो हम सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अपनी सुविधा के लिए हम इसे नाम वन दे लेते हैं, इसे टू दे लेते हैं, इसे थ्री दे लेते हैं। अब सबसे पहला हॉलो स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज आप पहला सवाल देखोगे तो हमने यही किया था, हॉलो स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा बताओ, इसको मान लिया हमने वन, तो आई वन बराबर आप क्या लिखते? तो सबसे पहले आपको हॉलो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का लिखना पड़ेगा, वो कितना है 2/3 mr² और फिर आपको md² यानी कि बेसिकली आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो, है ना? तो i1 आप कितना लिख दोगे बताओ, 2/3 mr² + mr² राइट, किसी को डाउट है इसमें? आप i2 कितना लिख दोगे बताओ, i2 का मतलब क्या है इस सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के बाद, तो आपको सेंटर ऑफ मास क्या लिखना पड़ेगा पहले, वो कितना है 2/5 mr² + mr² राइट, और फिर डिस्क का लिखना पड़ेगा इस एक्सिस के, तो डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास की पास हो रही है, इसके अबाउट कितना होता है डिस्क का mr² / 4। तो i3 हो जाएगा mr² / 4 और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर i=i1+i2+i3, सिंपल। ठीक है, और जोड़ोगे तो जो भी फाइनल आंसर आना है वो आ जाएगा, सिंपल है, समझ गए? i1 i2 i3 जिनों को रख के यहाँ पे आप टोटल नेट जो भी है इनका आई निकल आएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। रिंग है, मास है, रेडियस आर की, ये टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो क्या रिंग में हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं? ये हो गया ICOM, क्या ये ICOM हम जानते हैं? नहीं जानते तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? अगर आप ICOM बता दोगे तो आगे का तो फिर मैं आपको बता दूंगा, भाई बीच की डिस्टेंस d हो जाएगी और d बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा r,
तो बेसिकली जो आई आने वाला है हमारा आंसर, आई इज इक्वल टू, वो आने वाला है आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर। अब ये आई सी ओ एम क्या है, आई सी ओ एम बताएगा कोई, आई सी ओ एम कितना है? तो जो जो बच्चे एम आर स्क्वायर बाई टू बोल रहे हैं वो सही है, जो जो बच्चे एमआर स्क्वायर बोल रहे हैं मतलब वो पढ़ाई नहीं करते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप आईसीयूएम याद करते हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाने वाली लाइन पर, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन थी, याद करो रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास से जाने वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर है तो उसका उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया एमआर स्क्वायर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आएगा एमआर स्क्वायर बाई टू। और वो कैसे निकालेंगे देख लो जल्दी से, वैसे आप खुद को निकालना चाहिए था पर ठीक है अब देख लो। जैसे हमें ये निकालना है, ये है आई सी ओ एम, तो मैं कह सकता हूँ इसके अबाउट भी वो सेम ही होगा सिमेट्री से, है ना। और मैं जानता हूँ कि जो परपेंडिकुलर है इसके अबाउट, इसको बोलता हूँ आई वन या आई क्रॉस जो भी है, इसके अबाउट मैं जानता हूँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा दूँ, परपेंडिकुलर थ्योरम क्या लिख सकता हूँ, आई वन बराबर टू आई सी ओ एम, I1 कितना है एम आर स्क्वायर इंटू टू आई सी ओ एम, तो बेसिकली आई सी ओ एम कितना आ गया बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू। मैं इसको आई सी ओ एम, आई सी ओ एम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर वाले सवाल में से आई सी ओ एम बोला है इसलिए, ठीक है भाई। तो ये आंसर भी आ गया आपका, तो I बराबर तो थोड़ा ध्यान से याद करें, याद कर रहे हो आप ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक्सिस ही नहीं पता है तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता वो किसके अबाउट है। चलिए एक सेमी डिस्क है जिसका मास एम है और रेडियस आर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, करिए कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ये बताना है आपको, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी आती है याद है आपको, 4r अपॉन 3π, ये हमने सेंटर ऑफ मास में देखा था। तो आपको किस एक्सिस के अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको इस एक्सिस के अबाउट बताना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये जो एक्सिस मैंने आपको दी है यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर अंदर जा रही एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करें, तो इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि एक एक्सिस जिसके अबाउट आपको निकालना है उसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन हम खींचेंगे, लेकिन यहाँ तो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालना है, तो क्या करें, तो हमें ऐसी एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। तो क्या हमें बताओ, एक और डायग्राम बना लूं, करो करो एक बार आप करो फिर मैं बताता हूँ। तो कैसे करें इसको, तो आपको एक ऐसी एक्सिस बतानी होगी जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। तो क्या आपको ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई आई जानते हो क्या होता है, अगर आपको इस आई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो काम बन जाएगा। तो हम थ्योरम लगा देंगे इसमें क्या, आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, बिकॉज हम ऐसा मान लेंगे ये हमारी रिक्वायर्ड एक्सेस है। मैंने आपको बताया ना कि चाहे आपको उल्टा हो जाए, मतलब एक सिचुएशन मैंने ली थी कि आपको मान लो आई सी ओ एम नहीं पता है, आई पता है, लेकिन उस केस में भी आपको थ्योरम ऐसे ही लगानी पड़ेगी,
तो यहाँ पे आई सी एम आपको निकालना है, आई आपको पता है, और डी यहाँ पे दोनों के बीच की परपेंडिकुलर, दोनों की पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल ही हो। खैर तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है, तो वो सारी बातों का ध्यान रखें जो हमें रखनी है। तो आप मुझे आई बताओ, आई क्या है? आई के अबाउट, ये मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस सेमी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आई कितना होगा? आई होगा एम आर स्क्वायर बाय टू, राइट? कराया था हमने डिस्क में, जब हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था तो मैंने आपको बताया था। अच्छा इसमें नहीं बताया था, रिंग में, मैंने रिंग में बताया था आपको, है ना, कि रिंग चाहे आधी हो चाहे पिज्जा शेप हो, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, वैसे ही डिस्क में भी होगा। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, जो जगह बची है यहाँ पे, कि सेमी डिस्क हो चाहे ऐसे पिज्जा शेप डिस्क हो, सभी के केस में सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वायर बाई टू ही होगा, वो सेम ही होगा ना। आप खुद से भी तो आइडिया लगा सकते हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है भाई। ये मैंने रिंग का कैसे प्रूव कराया था, मास डिस्ट्रीब्यूट करके सेम कराया था ना कि मास ऐसे है। अच्छा हाँ ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ, ध्यान से देखो, मैं बता चुका हूँ, मेरे को याद आ गया। ये देखो, याद है हम क्वेश्चन कर रहे थे स्टार्टिंग में कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है किसका कम होता है, ऐसे हम देख के बता रहे थे मास के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ मैंने बताया था, देखो आपने खुद ने बताया था यहाँ पे कि अगर डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है और सेमी सर्कुलर डिस्क का इसके अबाउट आई टू है, दोनों का बराबर होता है, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो सेम तरीके से हो रहा है। मतलब आधी डिस्क में जिस तरह से इधर हो रहा है वैसे ही यहाँ ऐसा हो रहा है, और वैसे यहाँ ऐसे हो रहा है, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि मास सेम है ना दोनों का। अरे बात समझ में आई क्या? तो आप लिख भी सकते हो उसको, मैं लिख दूंगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। अभी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। चलिए तो यहाँ से हम सीख गए आई बराबर हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आई बराबर आ गया, तो आई सी यू एम कितना आ गया यहाँ से? आई सी यू एम बराबर आई माइनस एम डी स्क्वायर, आई बराबर हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम डी स्क्वायर, डी कितना है यहाँ पे? फोर आर अपॉन थ्री पाई का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे आगे का आंसर आ जाएगा आई सी एम। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो हो गया, यहाँ पे ICM की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ये क्या है? एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m, रेडियस r है, ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है इसके एक कोने से पास होती हुई, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। आपने एक बात गौर की है कि हम जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं लास्ट में जो फॉर्मेट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मतलब यहाँ पे जो आई आएगा वो भी कुछ आगे कांस्टेंट होता है और बाद में एम आर स्क्वायर होता है, अगर रेडियस होती है तो एम आर स्क्वायर होता है और अगर रॉड होती है तो एम एल स्क्वायर होता है, राइट? ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब आगे कुछ कांस्टेंट होगा और पीछे एम आर स्क्वायर होगा, इसी फॉर्मेट में सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं। ओके चलो निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। चलिए करते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये जो क्रॉस बन रहा है इसका मतलब क्या है? इस सेमी सर्कुलर डिस्क के, सेमी डिस्क के परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकालें? तो बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट, तो किस एक्सिस के अबाउट पता है हमें? यहाँ पे ये अभी मैंने बताया था ना, ये जैसे ये सेंटर है तो सेंटर के अबाउट आई पता है ना हमें, अभी तो निकाला हमने सेंटर के अबाउट आई कितना आया था, एम आर स्क्वायर बाई टू, ये आई पता है हमें, इसको आई नहीं आई वन नाम देते हैं चलो, और ये डिस्टेंस पता है हमें दोनों के बीच की, कितनी है डिस्टेंस, ये आर है, तो ऐसे निकाल लें आई वन बराबर आई प्लस एम आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे नहीं कर सकते यार, ये कोई सेंटर ऑफ मास थोड़ी है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या, आई वन इधर लिख देता हूँ, आई सेंटर का है ना इसलिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, आई वन सेंटर है ना तो इसलिए यहाँ, अब सही है क्या? अरे अब भी गलत है भैया, सेंटर है, सेंटर ऑफ मास नहीं है ये, है ना। खैर तो कैसे करें,
तो मतलब सेंटर ऑफ मास की जरूरत तो होगी, सेंटर ऑफ मास तो इसका यहाँ पे होता है कहीं, ठीक है ये होता है सेंटर ऑफ मास। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शी आएगा उसको हम बोल देते हैं ICOM। ओके चलिए भाई, तो ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है, आर है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 4r/3π, जिसको हम कुछ अभी डी मान लेते हैं, डी नहीं डी तो वो मानते हैं अपन, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी इतने सारे अल्फाबेट हैं, बी मान लो इसको, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे तीन चीज है, ये ICOM सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि इसके पैरेलल है। भाई आप ऐसे तो करोगे, देखो इसको तो मिटा देते हैं अभी, ये जो आई वन है ये तो किसी काम का है नहीं, बाद में देखेंगे काम आएगा तो देखा जाएगा। हाँ भाई, तो आप ऐसे करोगे, देखो आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। आप बोलोगे ठीक है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है हमें इस एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक पैरेलल एक्सिस बनाते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम डी कहते हैं। तो ठीक है भाई डी कह देते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि डी है, बाद में निकाल लेंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी डी बोल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर ICOM प्लस मास इसका एम है सिस्टम का एम डी स्क्वायर, बताओ यही लिखेंगे क्या, सही है। अब ICOM कहाँ से लिखे हैं, ICOM कहाँ से, या तो देखो आप पिछले सवाल को बोलोगे सर आपने पिछले सवाल में निकाला था यहाँ से पुट कर दो, अब मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में पिछला सवाल थोड़ी आएगा आपको, तो फिर से करना पड़ेगा ना पूरा, तो फिर से करते हैं अपन, ठीक है क्या। तो ICOM कैसे निकाला था हमने, दोबारा से निकालते हैं, प्रैक्टिस होगी ना अच्छा रहेगा। तो ICOM कैसे निकाला था, हमने एक यहाँ पे एक्सिस ली थी क्योंकि इसके अबाउट हमें पता है, क्यों ली थी ये, क्योंकि हमें पता है इसके बारे में, इसके अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। तो हमने इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लगा दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या लगा दिया इन दोनों के बीच में, क्या लगा दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई ऐसी तो निकाली थी ICOM, अभी तो निकाली है, भूल गए, अरे भूल गए क्या ICOM निकालना, अभी तो निकाली इस क्वेश्चन की, मैं तो फिर से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। चलिए भाई कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे कि ये एम आर स्क्वायर बाई टू बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू बराबर ICOM प्लस ये बीच की डिस्टेंस मैंने बी मान रखी है, वो बी बराबर क्या है 4r/3π, लेकिन अभी मैं बी लिख रहा हूँ 4r/3π, थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है एम बी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ से ICOM कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम बी स्क्वायर, बताओ यहां तक बात क्लियर है। यहां से ICOM हम इसमें डाल दें, ICOM इसमें डाल दें, क्या डाल दें भाई, ओके डाल देते हैं आई बराबर ICOM, तो ICOM इसमें डाल देते हैं हम एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम क्या था बी स्क्वायर, हाँ एम बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। अब बस डी और लिख लो, ये डी क्या है, तो भाई ये बी हो गया, ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, तो यहां से मैं रिलेशन लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस डी स्क्वायर इसे ये पुट कर दो, तो यहां से आ गया आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व करूं कितना आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर आ रहा है एम बी स्क्वायर प्लस में और माइनस में कट गए, तो आंसर कितना आ गया 3/2। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि यहाँ पे आपको ICOM निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ओवरऑल कट गया ऑटोमेटिक, ठीक। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लगा दिया, यहाँ पे आएगा माइनस, ओके आगे मैंने सही लिखा है, आगे मैंने माइनस लगाया, देखो यहाँ समझ गए, हो गया सवाल वाला।
इसका एक मेथड और है सिमेट्री से, इसका एक मेथड और है बाय सिमेट्री, सिमेट्री से भी हम इसे देख सकते हैं, बहुत सारी जगह सिमेट्री काम आती है। जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से थी ये डिस्क, है ना, सेमी सर्कुलर डिस्क, और हमें इसमें इसके अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एज इट इज, अब देखो आधी डिस्क में तो प्रॉब्लम है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन मैं एक और डिस्क इसमें ऐड कर दूं, एक और सेमी सर्कल, इसका मास एम है और रेडियस आर है, मैं एज इट इज एज की ऐसी डिस्क, एक मास एम और रेडियस आर की एक और डिस्क में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो दोनों मिलके ये क्या बन जाएंगी, दोनों डिस्क मिलके ये क्या बन गई, एक पूरी डिस्क बन गई, है ना। अब पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आई डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, देखना ध्यान से, ये पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, ठीक है, और ये आई सी ओ एम तो मैं जानता हूँ, अरे एम आर स्क्वायर बाई टू, ये जो आई सी ओ एम है यहाँ पे, ये तो मैं जानता हूँ एम आर स्क्वायर बाई टू, बस यहाँ पे एम कितना हो जाएगा, एम प्लस एम, टू एम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बोलो जानता हूँ, कर सकते हैं ऐसे, हाँ भाई। अब ध्यान से देखना, मैं वो लगाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक, ध्यान से देखना। तो ICOM मुझे पता लग गया, ICOM मेरे को पता लग गया, ICOM, आप बोलोगे सर COM यहाँ कैसे आ गया, भाई डिस्क पूरी हो गई ना यार, डिस्क पूरी हो गई तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में आ गया। और एक बात और, कि जब ये आधी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो नीचे वाली आधी डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना होगा, आई होगा ना, तो मतलब इस एक्सिस के अबाउट पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, टू आई। आप लगा दो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कैसे लगाओगे, 2i बराबर ICOM जो कि कितना है 2m r स्क्वायर बाय 2 प्लस दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस कितनी है r, m r स्क्वायर। सोचो क्या आ गया है, सॉल्व करो, मतलब सोचो क्या, यहाँ पे भी तो 2m आएगा, ओके कितना आ गया है, m r स्क्वायर प्लस 2m r स्क्वायर, तो i बराबर कितना आ गया, 3m r स्क्वायर बाय 2, सेम आंसर आ गया। देखो यहाँ पे भी कितना आया था 3m r स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे भी कितना आया 3m r स्क्वायर बाय 2। मेथड 2 कैसे गया समझ में आया, भाई हमें आधी डिस्क का सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इस एक्सिस के अबाउट। अब आधी डिस्क में तो सेंटर ऑफ मास उत्पटांग जगह होता है, तो हमने आधी डिस्क और जोड़ दी इसमें एज इट इज। अब वो आधी डिस्क हमने पलट के जोड़ दी, उसका भी तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा। अब टोटल डिस्क का मास पूरी डिस्क बन चुकी है, इसका सेंटर मास यहाँ आ गया, इसका टोटल मास 2m हो गया, तो यहाँ ICOM मैं जानता हूँ कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ टोटल मास 2m हो गया, तो 2m रखा, ये 2i हो गया। इन दोनों के बीच में किसके, इसके और इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, तो ये आई की वैल्यू निकल के आ गई जो हमें निकालनी थी, 3m आर स्क्वायर बाई 2। समझ गए, लेकिन ध्यान रखना ये सिमेट्री थी इसलिए यूज कर पाए, क्यों यूज कर पाए, देखो कि हमें यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, और जो दूसरी एक्सिस थी, दूसरी हमने डिस्क रखी, जब उसको रखा तो उसी एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पर वो एज इट इज उसी तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब यहाँ इस ओरिजिनल जो डिस्क थी उससे मास जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरी जो हमने डिस्क रखी उसी एक्सिस के अबाउट मास वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर ऐसा नहीं होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते, जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। चल ये वाला क्वेश्चन करो, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे इस एक्सिस के आउट निकालना था, सेमी डिस्क थी, सेम वैसा ही सवाल है, पर एक्सिस मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे निकालना है, तो क्या आप यहाँ पे सिमेट्री से कर सकते हो क्या, भाई सिमेट्री से करोगे तो आप क्या करोगे कि एक और डिस्क ऐड करोगे, भाई इस डिस्क का सेमी डिस्क का इस एक्सिस के आउट निकालना है, आप एक और डिस्क कैसे ऐड करोगे,
आपने अगर एक और डिस्क ऐड की इसमें, ठीक है, ये डिस्क है, आप बोलोगे भाई मैं इस डिस्क को ऐड करके पूरी डिस्क बना लूंगा, तो एक बात बताओ कि अगर ये आधी जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर आई था, जो हमने माना है आई, उसका ये जो आपने नीचे एक और डिस्क मानी है इसका भी इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो गया ना इस एक्सिस से इस वाली डिस्क का मास, तो देखो कैसे यहाँ पे पास 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 इस तरीके से यहाँ पे है, लेकिन इस आधी डिस्क के लिए मास इस एक्सिस से देखो कितनी दूर है यहाँ पे, क्या सेम है, क्या सिमेट्री कह सकते हो क्या आप इसे, कि एक बार तो मास इसे इतनी दूर है और एक बार यहाँ है, तो यहाँ सिमेट्री तो नहीं है, समझ में आ रही है बात? मतलब हम सिमेट्री कैसे ले सकते हैं, हम सिमेट्री केवल तभी ले सकते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए उसका भी जो आप मान रहे हो, समझ में आई क्या भाई? यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, तो आपने यहाँ पे देखा कि हाँ भाई ठीक है, फिर आपने एक और सेमी डिस्क ऐड की, तो हाँ भाई ठीक है सेम ही तो है, जितनी दूरी पर ऊपर वाले के मास है उस एक्सिस से, नीचे भी उसी एक्सिस पर उतनी ही दूरी पर है, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई इस एक्सिस का इसके लिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस नीचे वाली डिस्क के लिए भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जैसे यहाँ पे ऊपर वाली डिस्क के लिए आई था तो नीचे वाली डिस्क के लिए भी आई हो गया, तो टोटल मिलकर 2i हो गया, राइट? लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इस एक्सिस का ऊपर वाली डिस्क के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो नीचे वाली डिस्क के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा क्या? नहीं होगा, कुछ आई डैश होगा, तो ये तो उल्टा और रायता फैल गया, आई प्लस आई डैश बराबर पता नहीं क्या करोगे, तो ये तो नहीं होने वाला है ना, सिमेट्री से नहीं होने वाला। इसको कैसे करना पड़ेगा? हमें प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा, राइट? कैसे करोगे प्रॉपर मेथड से बताओ? तो भाई इसमें आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आपको सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा, ये तो ये सेंटर ऑफ मास होता है, बोलोगे इससे जाने वाली एक्सिस जो कि रिक्वायर्ड एक्सिस के पैरेलल है, ये हो गया ICOM। तो आप बोलोगे हाँ भाई अब मैं यहाँ पे थ्योरम लगा सकता हूँ, क्या कौन सी थ्योरम लगा सकता हूँ? I बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर, और D क्या है? D इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D, ठीक है, लेकिन हमें ICOM तो पता ही नहीं है, या तो वहां से देखो पहले क्या निकाला था ICOM, यहाँ सबसे पहले निकाला था ना, या फिर पूरा सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको याद थोड़ी रहेगा ICOM सेमी डिस्क का, तो आप बोलोगे हाँ भाई चलो पूरा ही करते हैं, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट आई पता है कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू, और ये दूरी भी पता है आपको, इसको बोल देते हैं अपन बी स्मॉल बी। तो आप एक और थ्योरम लिखोगे, अब थ्योरम इन दोनों के बीच में लगाओगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप क्या लिखोगे? एम आर स्क्वायर बाई टू बराबर आई सी ओ एम प्लस एम बी स्क्वायर, तो यहाँ से आई सी ओ एम निकल के आ गया, कितना निकल के आया एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम बी स्क्वायर, ठीक है भाई यही आया। अब आई सी एम की वैल्यू कहाँ रख दोगे आप? यहाँ से आई सी एम वैल्यू निकाल के आप इस आई सी एम में रख दोगे, रखोगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये बन जाएगी आई बराबर आई सी एम हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम बी स्क्वायर, यहाँ पे कटेगा पटेगा तो कुछ नहीं, देख लेते हैं एक बार, एम बी स्क्वायर ये तो हो गया आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना हो जाएगा बताओ भाई? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस है आर, तो डी कितना हो जाएगा? आर माइनस बी है ना, तो इस बार उतना अच्छा आंसर नहीं आ पाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम बी स्क्वायर प्लस एम डी बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से डी बराबर आ गया आर माइनस बी, तो यहाँ लिखोगे आप आर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसको, तो जो भी सॉल्व होने पाएगा वो आपका आंसर है, ये कितना हो गया एम आर स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर माइनस टू एम आर बी, एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर कट गया लेकिन ये टर्म बच गया ना यहाँ पे यार,
तो इतना अच्छा आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, मैं पहले ही बोल रहा था आपको। बी कितना है, बी कितना है, बी कितना है, बी कितना है, बी है, बी कितना है? अरे बी यही तो है, यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होती है बताओ, 4r/3π, सेंटर ऑफ मास से बड़ा था। ये आंसर आएगा आपका यहाँ पे आई बराबर। ठीक है, चलिए तो कुछ एक आध और याद कर लेते हैं, कई बार जरूरत पड़ जाती है, डेरिवेशन में आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान है इसका। तो हॉलो सिलेंडर है, इनकी मास m है और लेंथ l है, रेडियस r है, ठीक। तो मास m, रेडियस r, लेंथ l, सभी का, तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट, एक बार इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, बीचों बीच से मतलब, है ना, बीचों बीच से कैसे पता लगेगा, पता लग जाएगा ऐसे, ये l बाई टू है, एक बार जा रही है इसके इस तरह से, ठीक। फिर सॉलिड सिलेंडर में भी ऐसा ही है, एक बार बीचों बीच से और एक बार इस तरह से। तो याद रखने का तरीका देख लेते हैं और फिर इनका डेरिवेशन भी देख लेंगे। डेरिवेशन तो आसान है, बस एलिमेंट लेना है। तो ये देखो इसकी लेंथ एल है, तो अगर रॉड होती है एल लेंथ की और सेंटर ऑफ मास को देखते तो कितना आता, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस, लेकिन यहाँ पे एक रिंग जैसा भी बन रहा है भाई, हॉलो सिलेंडर है तो रिंग भी तो बन रही है। तो अगर रिंग का आप डायमीटर के अबाउट देखते हैं तो कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2। वैसे डेरिवेशन से आया पर हाँ, याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। इसका आई कितना आएगा देखो ध्यान से, तो ये रॉड जैसा है, तो रॉड एल लेंथ की रॉड है, एंड से जा रही है, तो इसके अबाउट आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस, और ये देखो रिंग बन रही है और रिंग के डायमीटर के अबाउट, रिंग क्यों, क्योंकि हॉलो सिलेंडर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। साइड में आपकी हिंट के लिए लिख देता हूँ कि रिंग होती है, रिंग का जब हम डायमीटर के अबाउट देखते हैं तो आई कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। चलिए अब नीचे आते हैं सॉलिड सिलेंडर पे। तो सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में भी वही, इसका भी मास m, रेडियस r, लेंथ l, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर बीच में से जा रही है, मतलब रॉड के लिए अगर देखें तो ये हो जाता है i बराबर m l स्क्वायर बाय 12 प्लस। अब सॉलिड सिलेंडर है तो ये क्या बन गई, डिस्क बन गई, और डिस्क का डायमीटर के अबाउट कितना होता है, m r स्क्वायर बाय 4, प्लस हो जाएगा m r स्क्वायर बाय 4 के। वैसे ही यहाँ पे i बराबर कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4। एम आर स्क्वायर बाय 4 क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब कि क्या है, डिस्क है, तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4। सही भी है, कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल भी है ये, ठीक। अगर आपको डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन आप कैसे करोगे, तो इसके डेरिवेशन के लिए आप ऐसे करोगे, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कैसे करोगे। देखो ये एक्सिस है, तो आप यहाँ से एक्स पे जाओगे, एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स एलिमेंट की, डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लोगे, ये एलिमेंट इस तरीके का आएगा, ये एलिमेंट इस तरीके से पूरा, ये एलिमेंट क्या आया है, ये एलिमेंट इसका रिंग एलिमेंट आएगा। चलो एलिमेंट लेके दिखा देता हूँ मैं इसमें, कैसे एक्स पे गए आप, एक्स पे जाके आपने इस तरीके का एलिमेंट लिया, इसकी थिकनेस डी एक्स है, है ना, और ये जो एलिमेंट है ये आया है रिंग एलिमेंट, ठीक भाई, रिंग एलिमेंट आया है, ठीक है। तो आप अब इस रिंग का, ये जो रिंग जो एलिमेंट बना है, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास डीएम हो जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा डीएम, ठीक है। अब इस डीएम मास का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो आर ही रहेगी जो इसकी रेडियस है, है ना। तो इस डीएम मास का हमें, ये जो रिंग बनी है इसका इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी कि भाई इस रिंग का इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट
जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आएगा, जो कि आएगा dm r स्क्वायर बाई टू, भाई एक रिंग बनेगी ना, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी कितना आता है, dm r स्क्वायर बाई टू, ये तो इसके अबाउट हो गया, प्लस md स्क्वायर प्लस md, d क्या है यहाँ पे, x, x स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट आ जाएगी आपकी माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, अरे समझे, फिर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली ये आंसर आएगा, समझ में आंसर क्यों आया, तो बेसिकली आपने यहाँ कहीं ना कहीं रिंग का एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ पे दो चीज बनी है, रॉड और रिंग, है ना, तो उसके हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस तरीके से इंटीग्रेट हो गया, अपने आप ये निकल जाएगा प्रॉपरली, सेम ऐसा आप यहाँ करोगे, बस लिमिट यहाँ लग जाएगी जीरो से एल, सेम ऐसा यहाँ करोगे, पर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट किसका आएगा, डिस्क एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, और लिमिट लगाएगी माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, और यहाँ से लिमिट लगेगी जीरो से एल, अरे समझ गए, तो डेरिवेशन आप कर सकते हो, बट आपको याद तो होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ऐसे और भी हैं आप देखना, चलिए समझते हैं रेडियस जायरेशन क्या है, तो इसमें क्या है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, और इसका इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी मान लेते हैं, एम मास है इसका, इस एक्सिस के अबाउट आई जो भी है आई है, ठीक, आपने क्या किया कि एक्सिस यही रखी, ठीक है, ये एक्सिस यही रखी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रखा, लेकिन मास को, मास की शेप को चेंज कर दिया, मास की शेप को आपने क्या कर दिया, इतने बड़े मास की जगह आपने पॉइंट मास रखा, आपने बोला इतने बड़े मास को चेंज करके मैंने इसका पॉइंट मास बना लिया, तो पॉइंट मास को इस एक्सिस से कितना दूर रखूं, इस एक्सिस से कितना दूर रखूं कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, बात समझ में आई, मतलब इसके अबाउट मान लो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, जो भी आया, आई आया, ठीक, बट यहां पे इसका मास अगर m है और इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस k है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम के स्क्वायर आ जाएगा, हमने पढ़ा था डिस्क्रीट मास सिस्टम का, राइट, तो मतलब इसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अलग अलग शेप का अलग अलग आएगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको एम के स्क्वायर के बराबर कर देना है, यहां से के की वैल्यू आपको निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट, समझ में आई बात, बस मास का ध्यान रखना, मास आपको टोटल लेना है ना, पूरे सिस्टम का मास आपको यहाँ रखना है, जैसे यहाँ पूरे सिस्टम का मास एम था, तो एम मास का ही तो पॉइंट मास आप रखोगे यहाँ पे, अरे आ गई बात समझ, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं, ये क्या काम आता है, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कुछ अनाप शनाप शेप दे दी, जिसके बारे में उस क्वेश्चन वाले को भी पता है कि बच्चे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं होगा, तो क्या करेगा, उसका रेडियस डायरेक्शन आपको दे देगा, तो फिर एम के स्क्वायर करके आप उसका उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो, अरे आई बात समझ में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको उसमें रेडियस ऑफ डायरेक्शन फाइंड करनी है, मान लो कि एक कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो डिस्क ले लेते हैं, चलिए डिस्क ले लेते हैं, एम मास रेडियस आर की, ठीक, और इस डिस्क की इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करो, ये सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी बताइए, तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, जो कि आपको याद है तो कितना है, एम आर स्क्वायर बाय फोर, राइट, आप इसको किससे कंपेयर करोगे आप, कि भाई मैंने एक्सिस तो चेंज नहीं की, एक्सिस तो यही रखी, पर एक इसका पूरा का पूरा मास, जितना भी मास है, जितना भी मास है, उस मास को यहां से के डिस्टेंस दूरी पर रख दिया पॉइंट मास मान के, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आएगा, एम के स्क्वायर, मैंने दोनों को इक्वल करा दिया, तो यहां से एम आर स्क्वायर बाय फोर बराबर एम के स्क्वायर,
तो के बराबर कितना आ गया यहाँ पे, आर बाई टू। तो अब अगर आपको दे दे ऐसा कोई कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन आर बाई टू है, तो क्या एम के स्क्वायर करके आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। बोलो यहां तक समझ में आई बात आपको? चलिए, तो यहाँ पे तीन रॉड दे रखी है, मास एम, लेंथ एल की। आपको ये जो सेंटर है इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सिस्टम का। करिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन रॉड दिखाई दे रही हैं, तो हम एक एक रॉड का सॉल्व करेंगे, तो फिर लास्ट में तीनों को जोड़ देंगे। तो इस रॉड का, इस एक्सिस के अबाउट ये सेंटर रॉइड है, केंद्रक है इसका, है ना, ठीक है, त्रिभुज का। तो इस रॉड का, इसके केंद्रक के अबाउट, फिर इस रॉड का, फिर इस रॉड का, तीनों रॉड का एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो नाम दे लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि इसको हम रॉड नंबर वन, इसको रॉड नंबर टू, इसको रॉड नंबर थ्री, ताकि समझाने में आसानी रहे। चलिए, अब सारा फोकस हम रॉड नंबर वन पे करते हैं। तो रॉड नंबर वन का इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, सेंटर से पास होती है। तो क्या करें उसके लिए, हमें जो रॉड दी हुई है उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली इस एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस होगी, उस एक्सिस के अबाउट आई सी यू एम पता होना चाहिए। तो ये तो हमें पता है, कितना, एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है भाई। और ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी, राइट। तो आई वन कितना आ जाएगा, आई वन मतलब ये जो रॉड नंबर वन है, इस रॉड का जो रिक्वायर्ड एक्सिस है, गिवन एक्सिस है, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वन हो जाएगा। तो आई वन कितना आएगा बताइए, तो आई वन आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी स्क्वायर। अब डी की वैल्यू कितनी होती है कोई बताएगा, डी की वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड करें? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मतलब समबाहु त्रिभुज में, सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी साइड की क्या होती है? चलिए, तो सबसे पहले तो एक क्लास आपको ये लेनी पड़ेगी कि ये डी कैसे निकालें, ये बड़ा टास्क है, बाकी चीजें तो बाढ़ में जाएं। तो यहां से मैंने इस तरीके से एक ये राइट समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, बढ़िया लग रहा है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पूरा एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये वन तो यहाँ रहता है, ये जो लेंथ है बेसिकली, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है L, तो ये लेंथ हो जाएगी आधी L by 2, देख पा रहे हो। तो एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एंगल पता है, लंब डी है, परपेंडिकुलर डी है जो आपको निकालना है, और बेस यानी आधार पता है L by 2, तो आप टेन थीटा यहां से लिख सकते हो, टेन 30 बराबर डी अपॉन L by 2। यहां से टेन 30 की वैल्यू आती है 1/√3, तो यहां से आप जब डी की वैल्यू निकालोगे तो डी आ जाएगा L/√3, इस तरीके से, ठीक है।
तो यहाँ से हमने डी फाइंड किया और फिर आई वन फाइंड कर लेंगे। अब आई वन बराबर आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू है एल अपॉन 2 रूट्स। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। तो ये आई वन आ गया। आई वन का मतलब ये जो रॉड है ये वाली, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अगर मैं अब आई टू फाइंड करूंगा तो क्या आई टू को मैं आई वन के बराबर लिख सकता हूँ सिमेट्री से? भाई आई टू के लिए तो अपन सेम काम करेंगे, ये रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, सेंटर ऑफ मास हाँ, तो ये I2 क्या हो जाएगा इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी I1 के बराबर ही आ जाएगा क्योंकि सब काम सेम है, D भी सेम है। तो I2 क्या है? I2 का मतलब है इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालेंगे? पहले इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे जो एम एल स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे वो डी आ जाएगा, तो एम डी स्क्वायर करेंगे, पैरेलेक्स थ्योरम लगाएंगे तो वापस से यही टर्म आ जाएंगी। मतलब जो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आई वन के बराबर ही आएगा, और इस तीसरी रॉड का जो आएगा वो भी आई वन के बराबर ही आएगा। तो बेसिकली जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मोमेंटम नहीं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई, वो कितना हो जाएगा? 3 × I1। सही बात है। और आई वन कितना है ये हमने लिखी रखा है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12। भाई इस एल बाय 2√3 का स्क्वायर किया ना मैंने, तो 4 × 4 = 12 राइट। तो ये कितना आ गया बताओ सॉल्व करके? ये आई निकाला हमने, तो ये आ गया 2 ml² / 12 यानी एल स्क्वायर 6, तो ml² / 2 ठीक है। कोई डाउट इसमें तो बोल दो, कोई भी डाउट कि D कैसे निकाला, आई टू बराबर आई वन कैसे हुआ, ये थीटा मल्टीप्लाई क्यों किया, कोई भी डाउट हो तो बोल दो। हमने सेंटर ऑफ मास में की थी याद है कैविटी वाले क्वेश्चन, जिसमें हमने ऐसा किया था कि एक पूरी डिस्क थी उसमें से फिर बीच में से कुछ पार्ट गायब कर दिया, तो बचे कुछ पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, याद है हमने ऐसे सवाल किए थे? हाँ, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस प्लस एम मास वाले। वैसे ही यहाँ पे भी आते हैं कि एक डिस्क है उसमें कुछ पार्ट गायब कर दिया, फिर पूछा कि बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो एक बार सवाल देख लो क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द सेंटर सी। ये जो सेंटर सी दे रखा है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और हमने क्या किया, एक डिस्क है, डिस्क में से हमने कैविटी बना दी है। कैविटी इस तरीके से बनाई है कि जो ओरिजिनल डिस्क थी उसका सेंटर और कैविटी का सेंटर एक ही लाइन पे है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैविटी का सेंटर ये रहा, ठीक है। अब आप, और हाँ, इस डिस्क का जो मास पर यूनिट एरिया दे रखा है सिग्मा दे रखा है, और इसकी जो रेडियस है वो आर दे रखी है। अब आपको इस पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बताइए? तो क्या है इसका करने का तरीका? बड़ा ही आसान है कि हम पहले जो एक खाली जगह है इसमें हम प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा भर देते हैं। मतलब हम कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है पूरी डिस्क आर रेडियस की जिसमें अच्छे से मास भरा हुआ है, माइनस ये छोटी वाली डिस्क ऐसा, या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें भरा है सिग्मा प्लस इसमें भरा है माइनस सिग्मा। बात एक ही है। तो एक पूरी डिस्क आर रेडियस की और एक छोटी डिस्क जिसमें माइनस सिग्मा मास डेंसिटी भरी हुई है, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो बेसिकली यही बन जाएगी। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि हम दोनों को इस तरह से मान सकते हैं कि एक में तो क्या भरा हुआ है, प्लस सिग्मा मास डेंसिटी भरी हुई है, प्लस एक में माइनस सिग्मा मास डेंसिटी भरी हुई है, ठीक है। इसका केंद्र ये रहा सी, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। लेकिन इस छोटी वाली डिस्क के लिए जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो यहाँ आ जाएगा सी, राइट। भाई ये जो कैविटी है उसके सी यहाँ पे है ना,
तो मतलब इस वाली डिस्क के लिए जो पॉइंट सी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो ये पॉइंट है, और इसका खुद का पर्सनल जो सेंटर है वो तो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस निकाल लेते हैं, तो इस बड़ी वाली डिस्क की रेडियस तो आर हो गई, ऑब्वियस है, और छोटी वाली डिस्क की रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, ये कितनी है आर, तो इसका भी आधा आर बाय टू, तो इसकी रेडियस हो जाएगी आर बाय टू। तो हमको क्या करना है अब कि हमें इस सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो हमें इसके अबाउट मान लेते हैं आई है जो हमें निकालना है आई, ठीक, और इसके अबाउट मान लेते हैं आई वन इस बड़ी वाली डिस्क का जिसका जिसका मास डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और छोटी वाली डिस्क का सी के अबाउट मान लेते हैं आई टू जिसकी मास डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो बेसिकली आई बराबर कितना हो जाएगा, जो हमें निकालना है वो हो जाएगा आई वन प्लस आई टू। ये जो आई वन आई टू है वो क्या है, ये सी के अबाउट, सी क्यों, क्योंकि सी के अबाउट पूछा गया है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो गिवन है उसके अबाउट इस बड़ी वाली डिस्क और छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वन आई टू। तो बताइए जल्दी जल्दी आई वन आई टू क्या हो जाएंगे। चलिए हाँ, आई वन आई टू से पहले हम मासेस भी निकाल लेते हैं कि इसका मास कितना होगा। मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं एम वन, इसका मास कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, और इसका मास हो जाएगा एम टू, और इसका मास हो जाएगा माइनस सिग्मा पाई, रेडियस कितनी है आर बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत मास निकालने में, सही बात है। अब बताइए आई वन क्या लिखूं मैं, आई वन क्या है, एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, लेकिन यहाँ मास कितना है एम वन और रेडियस है आर, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, एम वन आर स्क्वायर बाई टू प्लस आई टू। क्या लिखूंगा आई टू क्या है, इस छोटी वाली डिस्क का इस एक्सिस से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो किसी भी डिस्क का इस एक्सिस से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना पड़ेगा यार, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। तो इसका सेंटर से पास होने वाला कितना है, इस डिस्क का सेंटर से, क्योंकि सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा एम आर स्क्वायर बाई टू, जो कि है मास इसका एम टू, रेडियस है आर बाई टू स्क्वायर बाई टू, प्लस एम डी स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ पर ऐसे अलग से कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस छोटी वाली डिस्क का आई टू इस एक्सिस के अबाउट सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ, देखना कैसे लिखता हूँ। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूंगा, तो हो जाएगा मास है एम टू, रेडियस है आर बाई टू, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले के अबाउट हो गया। प्लस हम क्या लिखते हैं एम डी स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं ना अंदर ही अंदर इसमें, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई डी बराबर आर बाई टू, तो हम क्या लिखेंगे एम टू, डी कितनी हो गई आर बाई टू का स्क्वायर। बताइए ये आई टू आपको समझ में आया, आई वन आपको समझ में आया, अब अगर समझ में आ गया है तो बस आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। आई एम वन आपको पता है, एम टू आपको पता है, सब पता है। एम वन क्या है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो आप लिख दोगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर की पावर फोर डिवाइड बाई टू, प्लस एम टू कितना है, एम टू आप देखो यहाँ से कितना है, एम टू है माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई फोर, ये तो एम टू है, तो एम टू की वैल्यू रखोगे आप कितनी, माइनस सिग्मा पाई फोर इंटू आर स्क्वायर बाई फोर डिवाइडेड बाई टू, प्लस एम टू कितना रहेगा वापस से माइनस सिग्मा बताइए, जोड़ बाकी कर लोगे आप कितना रहा है आंसर, सॉल्व करके जल्दी से करके दिखाओ। तो सबसे पहले देख लो तो कितना आगे आ गया ना आंसर, यहाँ से 13/32 इंटू सिग्मा पाई आर की पावर 4। तो इसी में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में सिग्मा दिया है तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। मान लो हमें स्टार्टिंग में मास दिया होता कि ये जो आपके पास सिस्टम है, जो भी सिस्टम है आधा अधूरा सा, पूरी डिस्क थोड़ी ना बीच में से खाली हमने, इसका मास एम है,
सिग्मा नहीं दिया है हमें, मान लो अगर हमें सिग्मा नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, तो आंसर कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए ये क्वेश्चन होता और यहाँ सिग्मा की जगह आपको दिया होता कि जो सिस्टम है इसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है, तो c के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, तो सिग्मा के टर्म में तो आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन मास के टर्म में आंसर कैसे निकालते? तो बड़ा ही सिंपल है भाई, सिग्मा मान के कर लो आप तो सवाल, और लास्ट में सिग्मा की वैल्यू रख दो। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? तो हम यहाँ से सिग्मा बराबर लिख सकते हैं मास अपॉन एरिया, तो मास है एम और एरिया कितना है, जितना भी एरिया है इसका वो हमें लिखना है। तो इसका एरिया कितना है भाई, अगर पूरी डिस्क होती तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसमें से तो हमने कितना एरिया गायब कर दिया, पाई आर वाई टू का स्क्वायर एरिया गायब कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से सिग्मा बराबर कितना आ गया, ये आ गया 4m डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर आ गया क्या? तो बस आपका जो आंसर यहाँ आया इसमें आप सिग्मा की वैल्यू रख दो, सिग्मा की वैल्यू रख दो इसमें, तो आपका नया आंसर आई आ जाएगा। कितना आ रहा है जल्दी सॉल्व करके बताओ? ठीक, तो मास के टर्म में ही आंसर आ गया, तो कोई बड़ी बात तो नहीं, कोई ऐसे अलग सा मेथड तो होता नहीं अगर मास दे दे तो, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग हमें चीज सीखनी है, आप तो सिग्मा मान के सॉल्व कर लो, लास्ट में उसकी वैल्यू पुट कर दो आंसर। अगर मास के टर्म में पूछा तो मास के टर्म में दे दो, सिग्मा के टर्म में पूछा तो सिग्मा के टर्म में दे दो। ठीक, क्लियर। होलोकॉन का इस एक्सिस के अबाउट होलोकॉन है ना, और इसका मास m है, रेडियस r है, और इसमें बेस नहीं है। होलोकॉन का मतलब समझ रहे हो, केवल ये है इतना पार्ट, अंदर भी खाली है और बेस भी नहीं है इसका। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, ये अपनी जो लाइन में खींचा हूं ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट जो i है वो आता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट आई आता है 3/10 एम आर स्क्वायर। ये भी आप याद रख सकते हो, जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़े तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसकी डेरिवेशन आप ऐसे ही कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास मैंने बताया था आपको करने के लिए दिए थे ना, यहाँ से x पे जाके dx का एलिमेंट लेके एक रिंग बनेगी, उस रिंग को आप इंटीग्रेट करो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, और इसमें क्या करोगे ऐसे y पे जाके dy का एलिमेंट लो तो यहाँ पे डिस्क बनेगी ऊपर से लेकिन नीचे तक, उसको इंटीग्रेट करो तो ये बन जाएगा। तो 9m मास है अभी इसका, और रेडियस जो कट किए वो है r by 3, इस पूरे की रेडियस है r, तो O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड O से गुजरने वाला। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक तो पूरी डिस्क प्लस सिग्मा मास डेंसिटी की प्लस छोटी सी डिस्क माइनस सिग्मा मास डेंसिटी की मान सकते हैं, फिर उसके मास m1 m2 निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे, सिग्मा के टर्म में सॉल्व कर देंगे, लास्ट में सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, चलिए करते हैं। तो हमने इस सिस्टम को क्या कर लिया, इस तरीके से मान लिया कि भाई इसकी डेंसिटी हो गई प्लस सिग्मा और इसकी डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ठीक है, इस बड़ी वाली डिस्क की, अच्छा इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो मिलके ये वाला सिस्टम बन जाएगा भाई, इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से खाली हो जाएगी क्योंकि प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मिलके यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक, अच्छा रेडियस बता देते हैं, इसकी रेडियस कितनी है r by 3, कैसे पता, ये गिवन है इसकी रेडियस r है। ओके, मासेस देख लेते, अच्छा किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, O के अबाउट, तो ये जो O है उस बड़ी डिस्क के तो अंदर सेंटर ऑफ सेंटर ही है, पर इस छोटी वाली डिस्क के लिए, इस छोटी वाली डिस्क के लिए O इतनी दूरी पर है, यहाँ पे है O, राइट, ऐसा ही है ना। ओके, अब मास भी निकाल लेते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी, तो मास m1
कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका मास कितना दे रखा है, इसका मास दे रखा है 9 m इस सिस्टम का, ठीक है, इस सिस्टम का मास 9 m। इसका हो जाएगा m1 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा m2 बराबर माइनस सिग्मा पाई, रेडियस कितनी है r बाई 3 का स्क्वायर। आपको करना है, करो आगे। अब चाहे तो आप सिग्मा के टर्म में सॉल्व करके लास्ट में सिग्मा की वैल्यू रख सकते हो, या यहीं पे सिग्मा की वैल्यू रख के मास m1 और m2 की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लें हम यहाँ पे इसकी, या लास्ट में सिग्मा की वैल्यू रखें, बोलो जैसा आपको ठीक लगे। चलो करते हैं सॉल्व, ओके लास्ट पर रख लिए। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और इस वाली डिस्क का आई वन मान लेते हैं ओके अबाउट, और इस वाली डिस्क का ओके अबाउट आई टू मान लेते हैं। तो बेसिकली आई बराबर कितना हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू। आई वन कितना लिखूं बताओ, आई वन क्या इस एक्सिस के अबाउट ही, तो इसका खुद का सेंटर है, तो डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट, डिस्क लिए ना हमने, हाँ डिस्क का सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा एम वन, रेडियस हो गई आर, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस आई टू। तो आई टू क्या है इस एक्सिस के अबाउट इस छोटी वाली डिस्क का, तो ये डिस्क बाहर है तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है तो डी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, कोई बताएगा ये वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी भाई, डी की वैल्यू क्या है इसके सेंटर से यहाँ इसके सेंटर के बीच की दूरी, डी क्या है इसके सेंटर से ये सेंटर के बीच की दूरी डी है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आर, और ये कितनी है आर बाई थ्री, तो ये डिस्टेंस डी बराबर कितनी हो जाएगी आर माइनस आर बाई थ्री, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा डी इज इक्वल टू डी बराबर टू आर बाई थ्री, ओके अब लगा देंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m2 r स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर, ठीक है। तो m2 रेडियस कितनी उसकी r बाय 3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर, d कितना है 2r बाय 3 का स्क्वायर, भाई सेम है ना पिछले सवाल जैसे ही है, कहां गया, ये रहा सेम ही कर रहे, बस मास वगैरह चेंज हो गया थोड़ा। चलिए भाई ये आ गया आई, अब आई को सॉल्व कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है यहाँ पे हम लिखेंगे m2, इसको सॉल्व करो और सिग्मा की वैल्यू डालेंगे फिर। चलिए तो हमने इसको सॉल्व किया, ये कुछ इस तरीके से निकल के आ गया यहाँ पे इतना, लेकिन अभी हमें क्या करना है सिग्मा के टर्म में आंसर नहीं देना, एम के टर्म में आंसर देना है, बिकॉज एम दिया है। तो पहले सिग्मा फाइंड कर लेते हैं, भाई सिग्मा क्या है, तो हम सिग्मा यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं साइड में। सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया, लिखूंगा सिग्मा बराबर मास कितना है 9m अपॉन एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया सिग्मा बताइए, सही है सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, बताइए भाई फाइनल आंसर, हाँ भाई। तो इसमें क्वेश्चन में हमें पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसमें दे रखा है 9m पहले का मास है
उसके बाद उसे कट किया गया है, यानी कि सिग्मा बराबर 9m अपॉन पाई स्क्वायर है। तो और भी आसान हो गया, सिग्मा की वैल्यू तो और भी आसान हो गई, तो हम सीधा 9m अपॉन पाई स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे सिग्मा की जगह। तो हमने सिग्मा की जगह रख दिया 9m अपॉन पाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया हमने तो आ गया 4πr², दिस इज द आंसर। ठीक, इस तरीके से। हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ दो, अर्डिस्केल माइनस 9m, उसके बाद इसमें से कट किया है। ठीक, चलिए फिर आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे टॉर्क, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप, है ना।